गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं शिवांगी एंड यू आर वाचिंग सिटी स्टाइल्स. सो आप बड़ी खुश लग रही होंगी मैं, है ना? तो हाँ मैं हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारी चीज़ें सेटअप और चीज़ें चेंज हो रही है. मतलब मैं अब थोड़ी रेगुलर अपडेट्स देती रहूँगी आपको. शायद हफ्ते में एक या दो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है? क्योंकि यार कुछ चीज़ें थी जो मैं वही मेंटेन नहीं हो पा रहा था, जॉब और बाहर रहना, और फिर यहाँ पे भी मतलब मैं घर पे भी नहीं आ पा रही थी. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग थोड़ी इधर उधर ही. तो कोई नहीं, अभी थोड़ा चीज़ें ट्रैक पे आ रही है आगे. सो या अभी आपको बताऊँ मेरा थोड़ा सा सेटअप, मतलब थोड़ा सा सेटअप कैसा लग रहा है, ठीक है? अगर ये देखो क्यों चुच्छी नीज है, ठीक है? ये देखो, ये बेसिकली क्या, मैं बता देती हूँ अगर कुछ लोगों को ये होगा कि यार ये क्या है, आपने ये क्या लगा रखा है. तो ये अमेजोन पे था जिसमें बर्थडे पॉपर्स के नाम से था. तो दिस इज समथिंग, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये है क्या. यहाँ पे देखना, देखा ये होता है. तो दिस इज अ टॉय जो जंप करता है, ठीक है? तो टॉय जंपर आप कह सकते. सो या चलो बहुत सारी चीजें हो गई, अब आते हैं बैक टू द वीडियो. तो वीडियो इज ऑल अबाउट मेरा ज्वेलरी कलेक्शन जो बहुत ज्यादा हो चुका है, और मैं ज्वेलरी को कम पहनना पसंद करती हूँ. मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब पहन लेती हूँ तो मेरे को हो जाते हैं रैशेज, ठीक है? तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती. समर का नहीं, विंटर का ठीक होता है. अभी ये भी डाला हुआ है ना, तो मेरे को थोड़ी सी इचिंग सी हो रही है. लेकिन आई लाइक टू वेयर इयररिंग्स, रिंग्स और थोड़े से नेकलेस या पीसेस वगैरह, ऐसे थोड़ा सा कि अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा डाउन. हाँ जी. तो उसके अलावा ना ये क्या है, बेसिकली अपडेटेड ज्वेलरी हॉल है. और इससे पहले मैं एक ज्वेलरी हॉल ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपना. तो आप, मैं उसकी आई बटन पर लिंक दे दूंगी, सो प्लीज वहां से आप वॉच कर लो. क्योंकि एक प्रोडक्ट है, सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ. मेरे ना इस बॉक्स में, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ मैंने चीज़ें जनपद से ली थी. तो मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास क्या है. विदाउट विशिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं जो मैंने पहना हुआ है. अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने लिया था, एंड इसमें छोटी सी डिब्बी में भी रखा हुआ है. मैंने क्या रखा है, लेकिन यार पता क्या, ये मेरे को नहीं पसंद आए. मतलब ये तो ठीक है, लेकिन यू कैन सी, एक ये भी मैंने एक ऐसे इस तरीके का ब्रेसलेट लिया था फ्रॉम DIY. DIY एक स्टोर है जो कि है नोएडा में. तो एक ये ऐसे ब्रेसलेट लिया था, ठीक है? ये पतला सा ब्रेसलेट था जो कि काला हो चुका है. तो मेरे को नहीं यार मतलब समझ आता कि यार इतनी जल्दी ये काले क्यों पड़ जाते हैं. और उसके बाद एक ये इस तरीके की चेन ली थी, ठीक है? ये इस तरीके की चेन ली थी, और इसकी जो चेन है ना ये भी काली हो चुकी है. बट हाँ थोड़ी सी तो है कि मतलब मैं पहन सकती हूँ, ठीक है? उसके अलावा मैंने ये वाला लिया था, ये मेरे को लिया था ऑर्गेनिक से, जहाँ तक मुझे याद है. दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक. उसके बाद ये इयर रिंग्स जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, दिस इज वेरी बहुत प्यारे है. तो ये मैंने लिए थे जनपद मार्केट से, ओनली फॉर 30 rupees. हाँ जी, सिर्फ 30 rupees मैंने ये लिए थे. तो और उसके बाद एक और इयर रिंग्स है, यू कैन सी, ये है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये वाले इयर रिंग्स भी देख सकते हो. अगर यू आर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था जनपद से, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई थिंक. क्योंकि मेरे को इस तरीके की जंप ज्वेलरी पहनने का शौक तो है. मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो तो इस तरीके का पहन सकते हो साड़ी पे, तो ये साड़ी पे बहुत प्यारा लगेगा. और इस पे भी बहुत अच्छा लग रहा है ना. और इसे आप ऐसे भी लगा सकते. क्या देखो, ये लोकल वाले चीजें हैं जिसकी लिंक देनी होगी ना, मैं मतलब प्रोडक्ट लिंक वो अमेजोन की, अगर फ्लिपकार्ट की रही, ऑनलाइन परचेज रही, तो मैं आपको दे दूंगी वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर जैसे ये जनपद का है, ठीक है, तो ये जनपद का 30 rupees वाला यार मैं कहाँ से ढूंढ के दूंगा आपको. अच्छा ठीक है, तो इसलिए इन सब की लिंक नहीं दे पाऊंगी. तो सॉरी फॉर दैट. बोला था ना आपको ये DIY से लिया था. एक और है इसमें इस तरीके का, इसको आप एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, इसको एज अ आप ऐसे चेन डाल के भी पहन सकते हो. तो ये दोनों तरफ से ही अच्छा लगेगा. उसके बाद मैंने एक ये लिए थे, दिस इज नॉट फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज फ्रॉम जनपद. तो ये मैंने जनपद से लिए थे, यू कैन सी इस तरीके के ये कुछ इयररिंग्स हैं. उसके अलावा ये सरोजनी से लिए हुए हुक्स हैं, तो इस तरीके के हुक्स हैं, सिंपल हुक्स हैं. उसके बाद मैंने ये लिए थे, ये भी सरोजनी से लिए थे, छोटे वाले हुक्स हैं ये, ठीक है? और ये मैंने अभी तक नहीं पहने, कहीं पे भी नहीं पहने. और उसके अलावा मैंने ये सिल्वर भी लिए थे, जो कि मेरे को एक ही मिल रहा है, एक शायद बैग में है, तो अभी ये एक ही मिल रहा है. मैंने एक बार भी पहना नहीं है, मतलब एक से दो बार ही पहना होगा, अगर पहना भी होगा तो इस तरीके के हैं ये. ओके, उसका टूट भी गए हैं मेरे, वाओ
दिस इज ब्रोकन, कैसे करेंगे ऐसे। तो एक ये भी है, तो ये सारी प्रोडक्ट जो है ना मैंने आपको दिखा रखे है पहले। उसके अलावा एक कुछ यहाँ पे छोटे छोटे स्टफ्स थे जो मैंने अपने लिए लिए थे, दिख रहे, तो ये मैंने लिए थे अपनी DIY से ही, और इसका मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ पे है। ओके, द मेन प्रोडक्ट इज जीवा की साइड से सिल्वर ज्वेलरी है। बेसिकली सिल्वर ज्वेलरी में क्या होता है कि आप तीन इसमें वेरिएंट आते हैं, ये देखो इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, और इस पे ना इस तरीके से हार्ट एंड इन्फिनिटी वाला एक इस तरीके से सिंबल है, ठीक है, हार्ट एंड इन्फिनिटी का। तो इसकी चेन काफी अच्छी है, और एज अ मेरे को वारंटी कार्ड भी इसका मिला हुआ है, सिक्स मंथ्स की आई गेस कोई वारंटी कार्ड वगैरह है, और इस पे लिखा हुआ है होप यू लव दिस एज मच एज आई डू। तो ये इस तरीके का मेरे को एक प्रोडक्ट मिला था, ये मैंने मंगाया था जीवा की साइड से, कॉस्ट मी अराउंड 3000 फॉर दिस चेन। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मंगाए थे बहुत सारी रिंग्स भी, रिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पे इतनी प्यारी सी एक रिंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लुक एट दिस, ये आपको दिख रही है, ये ना हार्ट हार्ट के अलावा यहाँ पे भी ये वाली भी रिंग है। तो मैं आपको एक साथ इन सब की पिक्चर ऐड कर दूंगी, तो आपको इजीली दिख जाएगी। वो सिल्वर में थी, और यहाँ पे सेम सी है, ये गोल्डन में है, ठीक है, गोल्डन थोड़ा सा जो पिंक वाला होता है ना कलर, उसमें ये वाली रिंग्स है। तो सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो यही थे आज की वीडियो, एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड मिलती हूँ मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।